प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किया। इस मीट में कहा कि नया भारत का सबसे बड़ा सुधार बुनियादी ढांचे और प्रतिभा पर फोकस है। ईरान ने किया जंग का ऐलान, सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान। जामकरण मस्जिद पर लहराया लाल झंडा। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, दिल्ली के कालकाजी में पीएम मोदी ने सौंपे झुग्गी वालों को 3000 घरों की चाबियां। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक से प्रभावित मजदूरों को हर महीने 5000 की मदद मिली। ईडी के शिकंजे में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूछताछ के लिए कल पेशी, बीजेपी ने मांगा हेमंत सोरेन से इस्तीफा। जम्मू कश्मीर को लेकर खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को अलर्ट किया, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा घाटी को दहलाने की साजिश कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। अलवर दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत, खैरथल में कई विकास कार्यों की सौगात दी, बोले मुझसे जो मांगा वो मैंने दिया। जयपुर ग्रेटर निगम में मेयर और नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिकाओं के चेयरमैन के चुनाव की घोषणा, 10 नवम्बर को होगा मतदान। ट्विटर के मालिक एलन मस्क का ट्वीट, कहा कि कोई कितनी भी शिकायत करे लेकिन आपको ब्लू टिक के लिए $8 प्रति माह देने हो। राजस्थान रोडवेज के नए एमडी युवा आईएएस अधिकारी डिडेल ने संभाला पदभार। डिडेल ने कहा कि रोडवेज में सीएम के विजन के जरिए हिसाब से काम होगा। भरतपुर में खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन 4 नवंबर को मनाया जाएगा। बाबा संकीर्तन समिति द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भरतपुर में कृषि उपज मंडी में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हो गए। प्रदेश में फिर से शुरू हुआ बिजली संकट, दीपावली के बाद फिर से अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई। जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची सांभर को किया रेस्क्यू, झालाना से भटककर गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंच गया था सांभर। ग्राम रामगढ़ में आग लगने से 15 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया, 2.5 घंटे में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 35 चीतल को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया, जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से शिफ्ट किया जाएगा। पदमपुर के पिंजरा पोल गौशाला में हुए कार्यक्रम, 1100 दीपों से जगमगा उठी गौशाला। जैसलमेर के बनियाना के किसान के घर में भीषण आग लग गई, 2 कच्चे झोपड़े और कटी फसल जलने की सूचना। नागौर की मेड़ता सिटी में 3 खेतों की बाढ़ में लगी आग, आग लगने से किसानों को काफी नुकसान हुआ। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादनी में मक्का की फसल के भाव को लेकर हंगामा, भाव में गिरावट को लेकर गुस्साए किसान। रिश्वतखोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 12 में कनिष्ठ अभियंता, चूरू में संविदा कर्मी ट्रैप, तो झुंझुनू में नगर पालिका की महिला कर्मचारी और दौसा में बिजली विभाग का ईएन गिरफ्तार। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ने लगी। प्रदेश में सर्दी में दी दस्तक, लोगों को हो रहा गुलाबी ठंड का एहसास, 9 से 10 नवम्बर को शेखावटी में बारिश की संभावना। देवउठनी ने एकादशी से पहले बढ़े सोने चांदी के दाम, स्टैंडर्ड सोना 300 रुपए हुआ महंगा, चांदी प्रति किलो 60,000 के पास। प्रदेश में 2 साल बाद शादियों की धूम रहने वाली है, 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शादियों के सीजन की शुरुआत होने जा रही है। सरस घी के दामों में बढ़ोतरी, 30 रुपए प्रति किलो तक बढ़ी सरस घी के दाम। बॉक्स ऑफिस पर कांतारा ने फिर लगाई दहाड़, फिल्म की कमाई ने KGF 2 को पछाड़ा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की एक और जीत, रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रन से हराया, सेमीफाइनल में भारत का पहुंचना लगभग तय। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का बड़ा धमाका, नॉर्थ कोरिया ने पूर्वी सागर में 10 मिसाइलें दागी, नॉर्थ कोरिया ने सुबह 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।